लोकेशन का पता चल गया ना। ओए क्लच है। हां भाई हां भाई हां भाई हां। अबे तू पीटेगा नूब, नूब पीटेगा, मुझे पीटेगा। तू मेरे से, तू मेरे से 1v4 कर ले, अपने चार बंदे ले और मैं एक हूं, चल जा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गेम प्ले शुरू होने से पहले तो आप लोगों ने बातें सुन ली ना भाई, और अब उसके बाद सुन लो जो मैंने उसके साथ किया है ना भाई, तो उसका रिएक्शन चेक करो जरा। साले जिस प्लान से तुम लोगों ने मुझे मारा है, मैं टीममेट को बोल ही रहा था कि साले कुत्ते इस डेट में हमारा वेट ही कर रहे होंगे, सब रे मारेंगे, गाड़ी फोड़ देंगे एक साथ। वही सीन हुआ, तो मेरे टीममेट को कच्चा खा गया और मेरे मोबाइल इतना लैग कर रहा था ना, जो तुम मेरे पे जोरों घुसे हो ना, कसम से दिल धक धक कर रहा था। जलवा है हमारा। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गाइस सबका नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा गाइस, आज का वाला वीडियो काफी मजे का होने वाला है और आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आज मैं फिर से एक बंदे के साथ मजबून करने वाला हूँ भाई, तो देख लेना। लेकिन इन सब बातों से पहले यहाँ पर इवन V3 भी जरा चेक करना। और आप लोगों ने क्या करना है, टेंशन को इतना इग्नोर करना है जितना मैंने यहाँ पर इस बोट को इग्नोर किया। तो यहाँ पर मैंने स्क्वाड के दो बंदों को नॉक किया और अब यहाँ पर एक बंदा और भी था, तो इसके साथ भी फाइट ले लेते हैं। इस बंदे को मैंने मारने में बहुत टाइम ले लिया, तो सॉरी। अब जाते हैं अपने मेन वाले गेम प्ले पे। तो बात ऐसा था कि NEXG गेमिंग भाई ने मुझे चैलेंज दिया था भाई कि मेरे साथ भी 1v1 करो, तो मैंने इसके साथ 1v1 नहीं किया भाई, मैंने इसके साथ 1v2 किया। मतलब मैं अकेला था और इसके साथ कैसर भाई भी था और NEXG गेमिंग भाई भी था। तो यहाँ पर ये लोग मुझे बता रहे थे कि भाई आपको लोकेशन का पता है ना कि कहाँ पर आना है, तो मैंने इस बंदों के सामने ऐसा इसलिए किया ताकि इस लोगों को पता चले कि हाँ भाई क्लचर को पता है कि कहाँ पे आना है। पीटेगा नूब, नूब पीटेगा, मुझे पीटेगा। तुम मेरे से 1v4 कर ले, अपने चार बंदे ले और मैं एक, चल जा। तो यहाँ पर NEXG गेमिंग भाई ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कैसर भाई ने बहुत ज्यादा घमंड दिखाया कि तू तो अकेला है, अगर आपके साथ चार बंदे और भी आए तो मुझे टच भी नहीं कर सकते हैं आप लोग। लेकिन हैर देखते हैं कि क्या होता है। तड़हिल में आने का चैलेंज दिया था इस बंदों ने और मैं भी तड़हिल आ जाता हूँ, ये बंदे भी आ जाते हैं। तो थोड़ा मोड़ा लूट करने के बाद मैं सीधा इस कमरे के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से हमारा फाइट स्टार्ट होने वाला है, तो जरा एंजॉय करना। लेकिन ये बात जरूर याद रखना भाई कि मैं रैंडम नहीं खेल रहा हूँ, मैंने किसी के साथ मैचिंग किया है, तो इसलिए मैं थोड़ा मोड़ा कैंपिंग करूंगा, ठीक है। अब सामने वाले जो बंदे थे जिसने मुझे चैलेंज दिया था, वो दो बंदे थे और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर थे भाई, तो इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा था। ऐसा ना हो कि आप लोग फिर कहो भाई कि आप तो कैंपर हो, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो बस इसके बाद एक जादूगर एंट्री करता है तड़हिल के अंदर और सबसे पहले वो कैसर भाई को मार देता है, और कैसर भाई को मारने के बाद वो क्या करता है, NEXG गेमिंग भाई को भी मार देता है।
और फिर इस जादूगर के साथ मैंने भी फाइट ले लिया तो मुझको भी मार देता है। तो मतलब आज का वाला जो मैचिंग था ना भाई, इस जादूगर की वजह से खराब हुआ। हमारा मैचिंग तो हुआ भाई, लेकिन इस जादूगर की वजह से हमारा फाइट खराब हो गया। मतलब हमारा फाइट चल रहा था और ये बंदा आके हमारे फाइट को रोक देता है। तो बस आज का फाइट मिस हुआ। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा वसलाम। लेकिन अपनी छोटी बाइक लग्जरी को जरूर दुआ में याद रखना और साथ में मेरे सब्सक्राइबर भी जल्दी जल्दी 700 कर देना।